जो बॉलीवुड का पूरा जो सिस्टम है यह मान के चलता है कि ऑडियंस मूर्ख है हमेशा जब भी आप कुछ लिखते हैं कहते हैं यार इसको हटाओ यह रिक्शे वाला नहीं समझ सकता आपका फोकस रिक्शे वाले पे है और आपको लगता है रिक्शे वाला मूर्ख है जबकि असली ज्ञानी वही है ज्ञान उसका है नेटिव इंटेलिजेंस तो जब हमने अपना प्रोडक्शन शुरू किया बुद्धा ट्रैफिक जैम से तो हमने दो रूल्स बनाए एक फिल्म का जो क्रिएटर है वो हमेशा ऊपर रहेगा दूसरी चीज जो हमने तय करी वो ये कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है और जितनी कम पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो पढ़े लिखों से ज्यादा इंटेलिजेंट है ये हमारा एक एजम्पन हमने अपना एक कॉरपोरेट क्योंकि मुझे पता है ये बात नेटिव इंटेलिजेंस पढ़ी लिखी इंटेलिजेंस के साथ क्या है कि वो मैन्यूपुलेट करती है और मैन्युपुलेट होती भी है उसको दो किताबें पढ़ा दो तो उसको लगता है यही सही है वो सारी जिंदगी एक झूठ पे बहस कर सकता है पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी लेकिन लेकिन जो नेटिव इंटेलिजेंस का आदमी है जिसने जमीन से अपनी माँओं से पिताओं से लोगों से गुरु से सरकमस्टेंसेस से इंटेलिजेंस जिसको आई है वो स्वयं पे भरोसा रखता है और जो वो समझता है वो कोई और नहीं समझता इसीलिए आप देखिए बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म थी लेकिन मैं हिंदुस्तान के जिस कोने में लेके गया लोगों ने उसको समझा और उसको उतनी इज्जत दी